हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीक लोड प्राइसिंग को। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसे पीक लोड मूल्य निर्धारण या पीक लोड प्राइसिंग भी लिखा आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो पीक लोड प्राइसिंग क्या है कि वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, वो मूल्य निर्धारण रणनीति है जिसमें उन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जो है वो हाई चार्ज किया जाता है। किस टाइम पे? जब उनकी डिमांड पीक पे होती है, मीन्स उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। और ये हमें पता भी है कि जब किसी भी गुड की या सर्विस की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है तो उसके प्राइस राइज हो जाते हैं। तो पीक लोड प्राइसिंग वही स्ट्रेटेजी है कि भाई डिमांड ज़्यादा हो रही है इस पर्टिकुलर गुड या सर्विस की, तो उसके जो प्राइस हैं वो जो प्रोड्यूसर होंगे वो बढ़ा देंगे। इन द अदर वर्ड, द हाई प्राइस चार्ज ड्यूरिंग द हाई डिमांड पीरियड इज कॉल्ड पीक लोड प्राइसिंग। दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद जो है, ये कब किसके ऊपर बेस है? एफिशिएंसी की। किसके? फर्म डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो फर्म है वो किस, ये ऐसा डिस्क्रिमिनेट क्यों कर देगी भाई, जिस टाइम डिमांड नहीं है उस टाइम प्राइस कम कर दिया, जिस टाइम उसकी डिमांड हो रही है उस प्रोडक्ट की या सर्विस की उसके प्राइस बढ़ा दिए। कब? हाई यूसेज हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज, हाई ट्रैफिक है, हाई डिमांड टाइम्स है और लो डिमांड टाइम। द कंज्यूमर हु परचेज द कॉमोडिटी ड्यूरिंग द हाई डिमांड पीरियड हैज़ टू पे मोर। जाहिर सी बात है कि जब कोई कंज्यूमर उस टाइम पर परचेज कर रहा है कॉमोडिटी को जिस टाइम पर उसकी डिमांड हाई है, तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द वन हु बाय ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड्स, कि जो लो डिमांड पीरियड में डिमांड कर रहा है उसके मुकाबले उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हिंदी वाले रीड आउट कर लेना, वैसे तो मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ। तो जो पीक लोड प्राइसिंग है वो किस गुड के इस्तेमाल में की जाती है, कहाँ किस केस में करी जाती है? जो नॉन स्टोरेबल गुड्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते, गैर भंडारण जो योग्य सामान होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीफोन, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सब चीज़ें पीक लोड प्राइसिंग में, इनमें ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की जाती है इन सर्विसेज में। दीज आर द गुड्स विच कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड हैज देयर प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज टू मीट द इंक्रीज डिमांड। तो ये जो गुड्स हैं इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो इनके जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो जब इनकी प्रोडक्शन की जो डिमांड है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, तो इनके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होंगे। दस द मार्जिनल कॉस्ट इज़ आल्सो हाई ड्यूरिंग द पीक पीरियड। तो पीक पीरियड में जो उनके मार्जिनल कॉस्ट है वो भी हाई होती है, एज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दीज गुड इज़, क्योंकि जो कैपेसिटी है इन गुड्स को प्रोड्यूस करने की वो लिमिटेड है, यानी कि जितनी डिमांड की जा रही है उतनी प्रोड्यूस हो जाएगी, इसी कारण जो है इनके प्राइस राइज हो जाते हैं। एंड हैंस द प्राइस इज सेट एट इट्स हाइएस्ट लेवल विद द एम टू शिफ्ट द डिमांड और एटलीस्ट कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विस टू अटेन बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसा क्यों किया जाता है? प्राइस को हाईएस्ट लेवल से जितना हाईएस्ट लेवल तक कर सकते हैं उतना शिफ्ट कर दिया जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग, ताकि क्या हो कि भाई कंजम्पशन जो है, भाई कंजम्पशन और जो गुड है उनके बीच में थोड़ी सी क्या हो कि भाई लोग डिमांड, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम करने लगेंगे, तो उससे बैलेंस बन जाए डिमांड और सप्लाई के बीच में। एग्जाम्पल है कि समर के दौरान इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होती है वो हाईएस्ट होती है डे टाइम में, और सेवरल ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उस मतलब डे टाइम में इनका, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीक लोड टाइम कहेंगे, क्योंकि भाई उस टाइम पे भाई इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा, भाई एसी वगैरह का, कूलर का, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। वाइल द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लोएस्ट ड्यूरिंग द नाइट एज ऑल ऑफिस टाइम, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रात के टाइम पर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये जो ऑफिस वगैरह हैं ये सब क्या होंगे? उनका क्लोज टाइम होगा, तो ये ऑफ पीक टाइम कहलाएगा। दस अ फर्म विल चार्ज रिलेटिवली हायर प्राइस ड्यूरिंग द डे टाइम, तो फिर डे टाइम के दौरान ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे एज़ कम्पेयर टू द प्राइस एट नाइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।